वेलकम क्लास 10, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर हियर बट वेलकम एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट, ओनली टू एंड हाफ मंथ्स आर लेफ्ट फॉर योर बोर्ड्स टू बी देयर। बोर्ड हैज आल्सो क्लियर्ड इट दैट एग्जाम्स आर गोइंग टू टेक प्लेस ऑन टाइम एंड एज योर सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड, द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर इन द ट्विस्टेड फॉर्मैट, राइट? सो यू ऑल माइट बी हैविंग दिस बुक। Today I am using all in one, but honesty is the best policy and try to do these questions on your own. So here there is a diagram and it's not so clear, but if you zoom it will be clear. And there are few alphabets, you have to recognize them. This is T, W, U, X and V. What I am giving you a task right now is forget about W. You please try to recognize T, U, X and V. Chalo batao. T, U, X and V. Recognize. What is T? Esophagus. T is esophagus. Is it clear to everyone? Right. What is U? Liver. U is liver. Excellent. What is X? Large intestine. And W? V is small intestine. Aapko mil gaya. Full marks to yahan pe mil gaya. And one marks ka tha. W में पूछ रही हूँ। Yes. Name the secretion which passes down the tube W and explain how it helps in the digestion of fat. You have to name the secretion that passes through the W. अब ये जो W tube है, ये liver को small intestine से connect कर रही है। आपके दिमाग में logical reasoning ऐसी आनी चाहिए, ठीक है? तो liver is connecting to small intestine. और ये W है, तो W से कौन सा सिक्रेशन होता है, पहली चीज जो पास हो रहा है, एंड दूसरा व्हाट इज इट्स रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, हु विल टेल मी? मैम, बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम W. ओके, फर्स्ट आंसर करेक्ट, आधा नंबर मिल गया। बाइल जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम W, एंड व्हाट इज इट्स रोल इन फैट डाइजेशन? नो? ओके, नो, राइट, चलिए कोई बात नहीं है। यू मैम, इट्स इट न्यूट्रलाइज द फूड एंड मेक इट इजीयर टू डाइजेस्ट, मे बी थोड़ा सा। चलिए, नेवर माइंड, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन, प्लीज पे अटेंशन। बाइल जूस जो होता है वो लिवर से सिक्रीट होता है एंड देन इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है? और वहां से ये टाइम टू टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। इसके दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है कि द मीडियम ऑफ स्टमक इज एसिडिक बट द मीडियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एल्कलाइन और बेसिक, ठीक है? तो अभी जो फूड आ रहा है वो एसिडिक मीडियम से आ रहा है। वो फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंजाइम्स तभी फंक्शनल हो पाएंगे जब मीडियम जो है वो एल्कलाइन है, ठीक है? तो पहला काम बाइल का होता है दैट इट कन्वर्ट्स द और इट मेक्स द मीडियम अल्कलाइन। दूसरा काम क्या होता है, इट इमल्सिफाइज द फैट। थोड़ी सी केमिस्ट्री आ गई है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। इमल्सिफाइड मतलब फैट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो उसको आप ही जान लीजिए कि एक बड़ी बॉल है और उस बॉल का क्या सरफेस एरिया होगा, है ना? और सपोज हमारे पास एक चॉकलेट का लिक्विड चॉकलेट है, आप सोचो उस लिक्विड चॉकलेट में हमने पूरी एक बड़ी सी बॉल डाली, उसके ऊपर कितनी चॉकलेट कोट होगी। और यही अगर हम उस बॉल की छोटी छोटी बॉल्स बना दें और फिर हम उसको डालें तो किस केस में ज्यादा चॉकलेट एब्जॉर्ब हो पाएगी? जब बॉल स्मॉल होगी तब ज्यादा चॉकलेट इस्तेमाल होगी। वही काम फैट का होता है, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको बाइल और बाइल सॉल्ट छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो एंजाइम्स हैं लाइपेस, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम है उसका नाम है लाइपेस। तो ट्रिप्सिन तो प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन फैट, और पेप्सिन नहीं, पेप्सिन भी जितने सिन हैं, पाप,
ये सारे प्रोटीन के हैं। अब आप जोड़ लोगे सिन पाप परसेंट प्रोटीन जोड़ लोगे, तो चाहे हम पेप्सिन की बात करें चाहे हम ट्रिप्सिन की बात करें, इनका काम है प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि जो बड़ा फैट की ग्लोब्यूल थी उसको हमने छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में करा, ताकि जो हमारा एंजाइम है इसको अच्छे से इसके ऊपर फंक्शन एक्ट कर सके और कंप्लीट डाइजेशन हो जाए। ये बात समझ में आ गई अभी, क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है इमल्सिफिकेशन, तो बाइल के ये दोनों काम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन केस ऑफ डायरिया नेम द मेजर प्रोसेस इन रीजन एक्स विच इज नो लॉन्गर अकरिंग नॉर्मली। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन कर रही हूं। एक्स क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? जितना भी फूड में एक्सेस हो, भाई हमारी बॉडी 70% वाटर की बनी है कि नहीं है, और 70% वाटर में अगर हमारी बॉडी से वाटर का लॉस होता जाएगा तो हमारे लिए नुकसान की बात होगी, है ना? इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है कि फूड में जितना भी एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, डायरिया में आपको पता है वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है। अब आप समझ गए कि व्हाट इज एक्स, एक्स इज लार्ज इंटेस्टाइन, कौन सा काम यहाँ पर नहीं हो रहा है डायरिया के केस में? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो क्वेश्चंस तो मुश्किल नहीं थे लेकिन टेढ़े थे, और आप जान लीजिए बोर्ड में टेढ़े ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज प्रैक्टिस इट, वीडियो देखिए जितने हैं जो मिल रहा है अभी, आप उतना तो देख ही लो कम से कम, बिकॉज मैं आपको बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से आई एम ट्राइंग टू टीच यू, और अगर आप फिर पे अटेंशन इट विल बी गुड फॉर यू, राइट? लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। ओके, आई विल टेक सम टाइम टू ड्रॉ इट, बट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग अ लॉट। तो आपको अगर ये लगे कि हमारे को जी 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। सीबीएसई बहुत चालू है, उन्होंने बहुत चालू ही बहुत स्मार्ट है, आई एम सो सॉरी, नो ऑफेंसेस, बट सीबीएसई इज वेरी स्मार्ट, पीपल आर नॉट फूल कि उन्होंने सिलेबस भी कम कर दिया और आपको बहुत अच्छा ईजी पेपर देंगे। पेपर बहुत अच्छा होगा लेकिन ट्विस्टेड क्वेश्चंस, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। यू गॉट टू बी रेडी। यस, जीरो, ओके, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और उसके बाद से फिर से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, आप ड्रॉ कर सकते हैं ये मेरे साथ साथ। ठीक है, ओके, दिस इज ए Moon, then this is PM and midnight. Okay, this is amount of CO2. ठीक है, suppose ये 5 हमने करी है, गलत प्रिंट हुआ है, जीरो 5 and 10। ठीक, 0 से लेके 8 बजे तक हुआ है।
एएम 12 बजे नून पीएम एंड मिडनाइट ठीक है। यहाँ पर लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं ठीक है। चलिए अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेटेड इन ग्राम्स पर आवर, हर एक घंटे में कितने ग्राम्स। द ग्राफ शोज हाउ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन बाय अ प्लांट वैरीज थ्रू 24 आवर्स ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम डिड फोटोसिंथेसिस स्टार्टेड, बताइए कितने बजे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई थी। चलो हाँ आठ मान लो, सात और आठ के बीच में, वैसे ही सनराइज हो गया, वेरी गुड। एट व्हाट टाइम वाज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रेटेस्ट, कब थी सबसे ज्यादा, नून पे, वेरी गुड ओके। देन एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इट गेट डार्क, कितने बजे डार्क हुआ, 9-10 के बीच में, चलिए वेरी गुड शाबाश क्या बात है। What happens to this? No. How does plant obtain carbon dioxide? कैसे obtain करते हैं? Common question है। Ma'am, through stomata. Through stomata. Very good. And what happens to this carbon dioxide? क्या photosynthesis में क्या होता है? Ma'am, it gets converted into glucose. Very good. So अगर आपको पता है किसी भी चीज के संग में अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है we call it it is reduced and किसी भी चीज के संग में अगर ऑक्सीजन होती है तो it is called oxidized. Very good. शाबाश, मेरे बहुत अच्छी बात है। तो what time question is saying that what happens to this carbon dioxide? Photosynthesis क्या है? Carbon dioxide is reduced to form केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, है ना, और ऑक्सीजन ये वाली होती है जो ब्रेक हो जाती है ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लास्ट, व्हाट अदर फैक्टर्स कुड अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर, अगर एयर में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं जैसे पहाड़ों के ऊपर हम गए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम पड़ गई ठीक है ना। सो दीज थिंग्स